नई सुबह प्रेजेंट्स इस्लाम में मुस्कुराहटें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि यहूदियों का एक आलिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा, ए मोहम्मद, हम तौरात में ये लिखा पाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला अपनी एक उंगली पर आसमानों को, एक उंगली पर जमीनों को, एक उंगली पर दरख्तों को, एक उंगली पर पानी और मिट्टी को और एक उंगली पर सारी मखलूकात को रख लेगा और फरमाएगा, अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ। आज कौन है जिसका कोई हुक्म मेरे सामने चल सके। इतना सुनना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उस यहूदी के कॉल की तस्दीक के तौर पर खिलखिलाकर हंसने लगे, यहाँ तक के आपके अगले दांत मुबारक नजर आने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस फरमान की तिलावत की, वमा कदरुल्लाह हक कदरिही वल अर्दु जमीअन कब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिही सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून। सूरतुल ज़ुमर। तर्जुमा। और इन यहूदी लोगों ने जैसी अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी वैसी नहीं की। सारी जमीन कयामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाहिने हाथ में लपेटे हुए होंगे। वो पाक और बरतर है हर उस चीज से जिसे लोग उसका शरीक बनाएं। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अल्लाहु अल्लाह।